जकड़ो उसको और तेजी के साथ। पंखे की स्पीड कम कर। जलाओ उसके अंदर से आग लगाओ तेजी के साथ में जकड़ के। लाओ तुझकी इतनी शक्ति है इधर, पकड़ लो पूर्णा। लाओ पूर्ण शक्ति लाओ। अच्छा तुझ्या गांधी दबे का मैं नादी लागेला चांगले चांगले चुप वाटला उसको तेज के साथ में आग लगाओ। उसके दोनों हाथों में भी आग लगाओ, काट के ले लेंगे उसके दोनों हाथ। अब नहीं छोड़ते तुझे, मार के तेरे टुकड़े कर देंगे तेरा ही। Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qum laylan qalilan nisfahu min qismin qalil. A'udhu billahi minatil quran tartilan nasi'anul khalin saqila. Inna ناشئة الله هي أشد وطن وأقوى مقل إنا لك في النهار صباحا طويلا واذكر اسم ربك واضبطل إليه تبتلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فضلك ذو وكيل واصبر على ما يبلون وهجر من جميل وضرني والمقصرين والنعمة والمقليل إنا لدينا أنت لمجد ترزق وصدي وعذابا أليما يوم طار هذه فضل الجبال كانت بالقصبا معيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا فرعون الرسول فهذا فرعون الرسول فأخذنا خدمه بلا فكيف تتكون أن كفرتم يوم يجعل الذات شبه صفر به كان وده مفعولا هذه تذكرة إنا هذه تذكرة فمش يتخذ الله رب السبيل إنا رب يعلم عنك تخم الله من سبب لبني اسمه صلى الله عليه وسلم الله الظين معك والله غمار الله البن حار لمن لن تصفى الطبلكم فاخر رمضي اسمع اخمه السلاة واتو الزكاة واخرزوا الله فرضا حسنا وما تقدم لأنفس من خير تجد عند الله من خير وعظم جرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. جلاؤ اس کے اندر سے تیز سے آگ لگاؤ. میں نہیں تکلیف دیتے رہے سائلانی بابا منا تکلیف دے عمرہ بتاؤ اس کو مارو اس کی مار مار کے چربی جلاؤ اس کی نہ آ رہا ہے کہ ساری کھال ادھر اس کی تکلیف رہے چسی منا کارون تک تو یا تو سائلانی بابا پسینہ چل رہا ہے کہ سائلانی بابا کارا نہ ملا مارو اس کو نالا اس کے اوقات بتاؤ اس کی کیا ہے تو یہاں اس کو مار مار کے چندیا کرو. कहां से पकड़े तुझे शमशान से कब्रस्तान से? अरे माता तू रात बगैचा सोर वाला तो छोड़ देने तुझे पूरा जला देंगे सोर तो बोट माता छोड़ देने तुझे पूरा मार के खत्म करेंगे. बाप का तेरे रात चल रहा वैसा हां बोट मो तू कहले छोड़ देने तुझे पूरा मार के खत्म करेंगे. तू माजा नादी लागू नको तुला सोड़ माजा. तेरे हाथा काट के ले लेंगे तेरे दोनों हाथा काट के ले लेंगे. ओ झपड़ो उसके तेजी के साथ में. तू माजा काय नाव काढू शकत. अच्छा समजलं ना ते असं काय किती आले तर किती गेले ते बाबा नाही करू शकत काय तू काय उकारणार तर माझा. काट लो उसका यहां से सिर काट के ले लो उसकी तैयारी करो तेज के साथ में. कर दूं अब दो टुकड़े करूं दो टुकड़े ले लूं काट के तेरा बाहर टांग दूं सिर काट के. बोलो अब कहां गई जबान. Hey!
नहीं छोड़ते तुझे, बहुत बड़े बड़े वादा चल रहे, मारो कुत्ते के साथ में, आग लगाओ उसके अंदर से। दाते पापा छोड़ो मत उसको, मत जीव चाल ले रे पापा, सैलानी में लिखते रे पापा, याला समझो पापा, ले जीव क्या लागले माता है ना, तुला सोड़ ना है, तुला मार मार के तुझे पूरा जला के राख कर देंगे। सैलानी में जाते रे मैं नाइट टिकत रे, अच्छा पशी याई सवाड़ले मात्र छोटे ये, अच्छा पशी मैं नाइट को शकत रे, जला उसको तेज से, अरे आएंगी दोबारा उसके अंग में। अरे नहीं रे, सोन रे तू, सोन रे, तोबा करना पड़ता, तोबा कर। अरे गाज कम नहीं रे बाबा, तू अल्लाह दिला के ला, अरे ले जीव चाल ला रे बाबा, सोन रे बाबा, पूरा जला के राख कर देता हूँ तुझे, लाओ शक्ति लाओ, पूरी लाओ कुछ आदर तुझे, नहीं कर तेरा दे। अरे बाबा याच्या वहिनीने याला जागृत करून घातलेली रे, मला काय दुश्मनी होती ते, मी शिकलेली बाई शिकलेली, मी कोणाच्या काबू मध्ये येत नाही रे बाबा, आता कसं मार पडा लागली, इथं कसं मार पडा लागली, झगडा होत होता काय करू करू, ते सैलानी बाबा पण थकलाय मला काढू काढू, अब तो इधर तो पूरा जला के राख कर देंगे तुझे, बाप का राज चल रहा तेरे, झाला त्याचे आता मध्ये खूप आग लावा, बक्कळ आग लावा त्याच्या मध्ये, बाबाच्या हजरी याला याची यान मात काय उकाडलं इचाराला, छोडते नाही तुझे, बाप का तेरे राज चल रहा। अरे सैलानी बाबा म्हणन पाटोले त्याकड, सैलानी पाटोले त्याकड बोलता, तेरी वाट उधरी लगी की क्या बोलते, हमने तुझे फोन छूटी है बोलते है, तू नहीं जाएगी ना, जा तेरी वाट उधरी लगी की बोलते है, याला सैलानी बाबा पाटूले रे इकडं, त्या सवाड्यानं टकल्यानं हे खायची घाण त्या सैलानीच्या, त्या मादर चोद्याला पण हजरी आहे सैलानीची, सैलानीची कोणी पाठवले तुला इथं, त्याच्या सासून पाठवलेले मला, त्याची सासूले परेशान झाली याच्याशी, कशामुळे याच्या अंगामध्ये टाकले पोरगाचे, याच्या अगदी याला घर जावई करायचा होता, घर जावई झाला नाही त्यामुळे वाटोळे केले याचं, पूर्ण सत्यानाश केले त्याचं, त्याला एक एक रुपयाला मोताज केले, त्या कशामध्ये खाऊ घातली, याला तिला राख खाऊ घातली, काय नाव आहे पोरगाचं, प्रकाशच्या कशामध्ये खाऊ घातली होती, त्याला राख खाऊ घातलेली आहे लिंबा खाऊ, तंतर मंतरची जागृत करून आणून, जागृत करून मी शिकलेली बाई आहे, मी कोणाच्या काबूत येत नाही, कुठल्या देवाच्या काबू मध्ये, या कसं मार पडरी, अरे त्या सैलानीनं पाठवली ती आकड, नाही तर कोणाच्या गांडीत दम नव्हतं मला काढायचं, समजलं का, सैलानी बाबा भेचके दिये जर तुझे, मला सैलानी बाबा तुला याला पाठवले इकडं, सैलानी बाबावर लय चिडत आहे, तुम्हाला बंद करतो म्हणते, दरगा बिरगा तुमचं होत नाही कर रे म्हणताय, मैत्रा दिनच तुम्हाला कर राहू, सैलानी बाबा लय चिडला याच्यावर, ज्या बोलता तिर उधर भेट देता उधरी तिरी बराबर मारे गाऊ, अब कैसी मार पडली फिर या बरोबर, पूरा जला देंगे तुझे, झगडा होत साथ में। अरे बाबा कोणी उकाडू नाही शकला देव, समोर हार मानतात रे चांगले चांगले, लय मादर चोद माणूस आहेस तू, ऐसा जलाउस कुन्ना आला को बाबा, कुठं आले ग मी इथं, याला येऊ दे नाही गेली आई झवाड्याला, मग आता आई झवाड आलाय, त्याच्यासोबत सैलानी असते, तू कितना भी कुछ कर बोलते, आम लेके जाएगी उसको, तू क्या उकाडते देखते बोलते, सैलानी बाबा ने आला इकडे घेऊन येऊ दे रे, जलाओ उसकी सारी शक्ति खत्म करो उसकी तेज के साथ में, करेंगे दोबारा परेशान उसको, चलेंगे उस पर तंत्र मंत्र क्रिया दोबारा, आप उतारा करके मैं उसकी सारी दवा बाहर निकाल के गिरा देता, और जकड़ के तेरी सारी तंत्र मंत्र क्रिया खत्म कर देता हूँ, याच्या पोटात काही नाही पडले, या झवाड्यानं काढले त्याच्या पोटातलं सगळं, शिकलेला हजरीवाला हे झवाडा, हे सैलानी बाबाची हजरी, त्याला विचार, त्याने त्या पोटातली सगळी राखाऊ घर काढलेली, लिंब गुलाब ढाळ बीळ सगळं दिले त्याला, फक्त मी नाही जाऊ शकत, जाना तो पडेगा तुझे, अगर नाही जाएंगे तो अभी तुझे मार के खत्म कर देता हूँ, सैलानी याच्या पहिली ना याच्या बायकोनं सगळ्यांना आग लगाओ उसके अंदर तेज के साथ में, اللهم فاطر السماوات والارض عليم الغيب شهدنا انت الرحمن الرحيم اللهم اني اعد اليك في هذه الحياه دون لا اله الا انت وحده لا شريك لك محمد ورسولك لا تكلني الله Allah 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 All
محمد ولصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. अरे बाबा मिनाय तकलीफ देत रे मिनाय तकलीफ देत सैलानी आला. अरे बाबा मला काढ रे तू याच्या वहिनीला मला असं करून घातलं याच्या वहिनीने सगळ्यानं मला मी स्वतः नाही जाऊ शकत तुम्हालाच काढायला लागल तुम्हालाच काढायला लागल मी स्वतः करेंगे अब दोबारा परेशान उसको नाही करणार बाबा नाही मत याही मला काढून टाक रे माझा चिवले घेतात हे लोक तिकडे तिची वहिनी इकडे हे लोक सगळे मला काढून टाक तोबा तोबा कर तुझे निकाल के बाहर फेंक देंगे चल तोबा तोबा कर जल्दी तोबा तोबा मुझे निकाल दो बाबा जोर से अल्टा के कर सबको सुने आना तोबा तोबा तेरा तोबा 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 बाबा मेरे को निकाल दो खाली जोर से तोबा 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 जोर से अल्टा के क्या हमारा पकड़ना गुलास जकड़ो उसको न पकड़ा जोर से बाबा तू इलम ले भारी है रे तू इलम ले भारी है तिया समोर हार मानाय लागली मी ना तो चांगले चांगले वय त्याची गाड मारून ठेवली मी तिया समोर हार मानाय लागली फक्त मी बाकी कोणाच्या गाडी जमणे मला काढायचं तिया समोर हार मानाय लागले मला तुला आई झवाड्या सगळे इलम दिलाय त्या अल्ला तलानं तिया समोर कोणी नाही टिकू शकत चल तोबा तोबा जल्दी जोर से मार मुंह पे तोबा जोर से आवाज सुने आना तोबा की तोबा 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 जोर से तोबा 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 चीख मार के तोबा 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 जोर से तोबा 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 हाँ चल निकल बाहर जा अब निकल के उसको दोबारा दिखना नहीं मुझे उसके आंग में पूरा जला के मार के खत्म कर दूंगा नहीं तो चल जा बाहर ओए पानी दो इधर किधर का गिलास स्वास्थ्य दिए कहते हो क्या हमारा इधर उधर करने को डालो उसमें पानी इधर नहीं मारता यो पानी पियो हमारे कैमरा इधर मेरी तरफ घुमा के सामने से उधर उधर जाके खड़े रहे उधर से इधर कैमरा मार मेरी तरफ ये जो मसला है तो ये कुछ तो भी जागरूक करके लाके खिलाए वाला था खिला के करके उठा के छोड़ा था जिसने भी करा जादू उड़ोना उसने खुद तंत्र मंत्र सिखा लिए उसकी तंत्र मंत्र क्रिया ही सामने आके बात करी उसकी जो शक्ति है तो और उसको पूरा गला गला के उसको क्या क्या करके मारने आ लेते वो सब बलाएं को लग गए थे पीछे ये तंत्र मंत्र के जो खेल रहते इसमें भी अलग अलग पार्ट्स बढ़ते इसके भी अंदर अलग अलग थे रहते शैतान जिन्नात अलग रहते जागरूक करके उठा के लाके छोड़े वाली बलाएं वो अलग रहती वो इंसानों से जो मरे वाले इंसानों के बदरू हैं हम आत्माएं जो बोलते जिसको जो हमजाद बोलते वो पकड़ के लाके आंग में छोड़ देते वो जागरूक करके उठाना पड़ता उसको और जिन्नात शैतान जो रहते तो वो तो एक मिनट में निकल के चल जाते रफा दफा हो जाता अब ये दवा के थिरो था दवा खिला के दवा के थिरो उसको अटकाया वाला अंदर वो जब अमल चलते तो अमल के दौरान उतारों में उसको उल्टियां जुलाब होके सब दवा निकल के चली जाती और ये सब जो बातें हैं अब वो तो उसने बयान कर दिया कौन डाले क्या डाले बला बयान कर दी थी इसके आंग में आता इलाज सैलानी बाबा के दरगाह में चल रहा था उसका तो वो वहां पर से फिर उन्होंने इधर रिफर करे उसको मराठी में पूरा बयान कर रहा था वो कि वहां उन्होंने सैलानी बाबा ने बोले कि जा तेरी मस्ती वहां से रहेंगे उन्होंने मार के इसलिए उन्होंने यहाँ भेजे उन्होंने बयान करा बल्ला ने उसके जबानी अंदर सारी बातें बयान करी कि उसको कौन भेजे यहाँ पर फिर किसके थिर उन्होंने और उसके साथ साथ में और भी बहुत सारे इलाज ये करे कहाँ करे वो किसी से हार नहीं मानी वो बला बता रही थी और वो हार नहीं मानती क्योंकि उन्हें रिवर्स उसके अंदर वो उसको कौन खींच रहा हो जो अंदर बैठे दवा है वो लोग चिपमक से लोहे को खींचता वैसा वो दवा उसको अंदर खींच के रिवर्स बुला ले रही है उसके अंदर और उन्हें उसको अंदर ही अंदर 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 गला के परेशान करके ऐसा सब आलम करके खत्म करने के वास्ते वो लास्ट में बलाओं का तो वही रहता खेल के उन लास्ट में साथ में लेके चल जाते लेकिन अब इंशाल्लाह खैर इन्होंने यहाँ से अमल करेंगे जैसे मैं तरीके बताऊंगा उस तरीके से तो फिर उसको पूरा बांधी में लेके दोबारा आने नहीं देंगे सब रफा दफा करके खत्म करा देंगे कौन से आए थे मुंबई में कहाँ रहते वाशी नहीं मुंबई ठीक है खैर इंशाल्लाह जिस तरीके से अमल करेंगे सब पूरा रफा दफा करके बाकी पूरा खत्म करा देंगे अभी ये जो भी दास्तान थी तो सामने लाके तब पूछा है और वो अभी तक किसी से हार नहीं मानी थी मनमानिया करती थी बड़े बड़े बात पहले भी स्टार्टिंग में भी उसका एटीट्यूड बता रही थी वो यहाँ इसलिए मैं कभी भी शैतान को मौका देता उसका एटीट्यूड देखना चाहता हूँ कितना बाद में कैसा मार के यहाँ जेर करते फिर कैसी आग लगाते चारों तरफ से जकड़ लेते मार के
जंजीर डाल के जेर करके खत्म करा देते। क्या नाम था पेशेंट का? प्रकाश। कौन से कास्ट से? जेबी। अच्छा, तो शैतान जिन्नात भूत चुड़ैल जादू टोना, ना तुम्हारी कास्ट देखते, ना तुम्हारा जात देखते, ना धर्म देखते, ना दीन देखते, ना कुछ नहीं, बरोबर हमला करते तुम्हारे ऊपर, क्योंकि उनको जो ड्यूटी दिया गई थी ड्यूटी के हिसाब से, ना तुम्हारा कास्ट देखते, ना तुम हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख क्या ईसाई, क्या तुम बड़े आला अधिकारी ऑफिसर्स कुछ भी रहने दो, तुम कोई गिनती नहीं हो तुम्हारे, बरोबर तुम पे हमला करते, क्योंकि वो शैतानों को तुम्हारे से क्या लेना देना, कोई सिक्योरिटी उनको रोक नहीं सकती, उनको रोकने के वास्ते बंदिश लगती, और बंदिश करने वाले दुनिया में बहुत कम बैठे वाले, मुझे बंदिश करनी नहीं, बार बार सबको दुनिया की बंदिश, मेरे बंदिश में कैसा जकड़ लेता मैं शैतान को, कैसा उसको नाक रगड़ने लगाता यहाँ, ये तरीका था, बंदिश सबको थोड़ी आती वर्ल्ड में करने, अगर बंदिश आती थी करने तो फिर उन्होंने भी बताते थे ना सामने लाकर लाई उन्हें सब करा के, वो आती नहीं, वो लोगों को बातें करने आते सिर्फ, बड़े बड़े बातें और बाकी कुछ निकाला अक्षर भैंस बराबर रहते स्वादी इलाजों वाले, इसलिए मैं यही कहूंगा सब लोगों से बार बार की इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, और मैं अब ऐसा नहीं बोल के नहीं, कंपनियों पे जादू कर देते, तुम्हारे घरों पे कर देते, तुम्हारे बंगलों पे, तुम्हारे हवेलियां सब बर्बाद कर देते, राजपाट तक बर्बाद कर देते जादू टोना करके, तारीखें पढ़ो तुमको तारीखों में पता चलेगा, मैं तो यहाँ तुम्हारा प्रैक्टिकल में पूछा भी दे रहा हूँ सामने, अगर तुम ये प्रैक्टिकल को भी नहीं मार दो, बड़े बड़े हिस्ट्रीज के बुक्स उठा के पढ़ लो, उसके अंदर सब लिखा हुआ है कैसा बर्बाद करे बड़े बड़े राजा लोगों को बादशाह लोगों को, तुम्हारी क्या मिसाल है जादू टोने के सामने, जादू टोना सबको ले जाके जमीन में डाल देता, इसलिए तो अल्लाह ने फिर फरमाया ना कि कलाम इलाही की रस्सी को मजबूती से तांबो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ने में तुमको शिफा रखा अल्लाह ने, वो पढ़ेंगे तो तुमको फैज मिलेगा, और ये सारे बलाएं शैतान तुम्हारे सामने फिर ना करेंगे, तुम पढ़ने वाली जबान बनाओ तो तुम महफूज रहेंगे, और ऐसा जरूरी नहीं कि हिंदू को दुआएं पढ़ने नहीं, मुसलमानी दुआ पढ़ेगा, हर कोई दुआ पढ़ सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इंसानियत के लिए अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजा लाए, और वो दुआएं सब तुम्हारा हथियार है, तुम ज्यादा से ज्यादा तुम अगर दुआएं पढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा तुम अमल करेंगे तो तुम ये सब बलाओं से वबाओं से आफतों से महफूज रहेंगे, बाकी किसी का कुछ नहीं देगा, जो ना मांगे सीख वो दर दर फिर मांगे भीख, क्योंकि मैं कोई कहानी और कोई किस्सा तुमको नहीं सुना रहा कि तुम देख लो कि हाँ जादू टोने से खूबसूरती खराब कर देते, हाँ जादू टोने से औलाद नहीं होने देते, जादू टोने से बेटे नहीं होने देते, जादू टोने से तरक्की नहीं करने देते, कंपनी के सारे शेयर्स गिरा देते, जादू टोने से तुम्हारा कौन सा भी कारोबार के आड़े ला लेते, तुम जो भी काम करने जा रहे तुम्हारा काम बनने से पहले बिगड़ जाता है, जादू टोने की खास बात है, तुम्हारे हाथ में से सारा पैसा भगा देते, बचा खुचा तुम्हारी जो भी सेविंग है वो सब तबही बर्बादी लगा देते, तुम्हारा लास्ट में गला के सड़ा के मारते जादू टोने से, बीमारियां तक जादू टोने से लगते, कैंसर की बीमारियां, बड़े बड़े बीमारियां, हर बीमारी मैंने लाइव में प्रैक्टिकल में पूछा वाला वीडियो के अंदर, सारे वीडियो देखो तो तुमको पता चलेगा, तुम फजूल के चीजा देखेंगे, तुम पिचरा गाने तो उससे तुम्हारा क्या फायदा मिल रहा, तुम्हारा एक तो टाइम भी वेस्ट सबसे कीमती चीज, दूसरा तुम्हारा डाटा वेस्ट, तुम्हारा पैसा वेस्ट, और तुम्हारा वक्त तो सबसे कीमती वो भी वेस्ट, और तुम अगर ये देखेंगे लाइव मेरे वीडियो तो इसके अंदर तुम्हें क्या तजुर्बा मिलेगा कि जादू टोना चलता कैसा, जादू टोना है क्या, तुमको देख के तुम्हें इतनी सीख हो जाएंगी कि कम से कम तुम महफूज रहेंगे वो लोगों से जो चला रहा, तो तुमको महसूस होना चाहूंगा कह रहे हाँ ये इन्हें चलाने वाला दिख रहा है, इसके नजदीक मत जाओ, गए तो अपना नुकसान होगा, इधर जाएंगे तो अपना फायदा होगा, इधर जाएंगे तो अपना नुकसान होगा, तुम्हारा समझेगा और तुम्हारा समझ में, और तुमको जादू टोने की खास बात रहती जब चल जाता तो पता कब चलता हूं मालूम क्या, जब आखिरी स्टेप पे ले जाता, जब इंसान की पूरी जान लेने की तैयारी कर देता उन्हें, जब पता चलता कह रहे ये तो कोई दूसरे दुनिया के वार थे, और फिर इंसान जाया हो जाता, और शैतान जिन्ना शैतवलाएं जो बोलते बरोबर वो टाइम पे उन्हें जान लेते, उनको इख्तियारात वैसे है दिए वाले, मैंने प्रैक्टिकल में बता दिया ले, बेशक अल्लाह हर चीज पे कादिर है, अल्लाह के हुक्म के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, मगर तुम एक बात याद रखना, उसने जो बता दिया ना कि वक्त से पहले हमने शहादत की मौत रखे, वक्त से पहले हमने हराम मौत रखे, वक्त से पहले क्या बोलते तो शहादत की और हराम मौत दो मौत रखे ले, और एक नेचुरली मौत है, तो नेचुरली आने से पहले से दोनों में से एक मौत तुम्हारे पास जाती, शहादत की आ गई तो तुम शहीद हो गए, बहुत बड़ा मरतबा मिल गया, और अगर तुमको हराम मौत आ गई शैतान ने लगा साथ में, फिर बहुत बुरा तुम्हारा आलम हो जाएगा, फिर तुम भटके भटकते फिरेंगे, फिर उसके साथ में मिलकर तुम्हारे रूह को फरिश्ते ले जाते, मगर हमजाद को तुम्हारे छोड़ते नहीं, फिर बहुत बुरा सुलूक करते तुम्हारे हमजाद के साथ में, पकड़ के मार मार के सुलूक आंग में छोड़ते, कामा लगाते, परेशान करते, तो इसलिए कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे, क्या नहीं है तंत्र मंत्र से जादू टोने से क्या नहीं कर सकते, हर वो चीज कर सकते, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके बता रहे जादूगर ना जादू टोनों से वारा चला के, और तुम बेवकूफ लोग अक्ल मंदा तुम समझ नहीं सक रहे यार मेरा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा, अबे तो कुछ करे होंगे ना पढ़ाई से मन उड़ा दिए, यार मेरा कमाई के अंदर मन क्यों नहीं लग रहा कुछ करके उड़ा दिए होंगे ना हरकत, यार मेरा उसमें कमाई में बरकत नहीं रह रही क्यों नहीं रह रही कुछ करे होंगे ना हरकत, तो तू समझ ना बार बार जब तेरा
जब तू जीरो से हीरो बना और रिवर्स तू जीरो पे आ रहा, तो कोई हरकत है, बरोबर किसी ने कुछ तो भी करे अल्लाह है। तो तुमको ये नहीं बोल रहे कि जाओ वो जादूगर के पास जाके राइट हो जाओ, मत जाओ उनके रास्तों पे, मत लगो जादू टोने के रास्ते पे, तंत्र मंत्र क्रियाओं पे लगेंगे तो यकीनन तुम गर्क होके हलाक हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तबाह बर्बाद होकर खत्म हो जाएंगे। तुम इबादत की राह पे लगो, तुम बुजुर्गान दीन की राह पे चलो, तो फिर तुम कैसा है महफूज रहेंगे और ये सब बलाओं से वबाओं से आफतों से अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। और तुम सुखी रहेंगे तो तुम्हारा पूरा परिवार सुखी रहेगा, परिवार का एक मेंबर अगर बीमार रहेगा तो सारा परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा। और किसी का कमाने में खाने में दिल दिमाग, किसी का न बाप न बहन न भैया, किसी का दिल दिमाग नहीं लगता, फिर सबका दिमाग लगता कि वो हमारा एक मेंबर जो है बीमार हो, कब अच्छा होगा कब अच्छा होगा। तो इसलिए तुम सुकून से रहेंगे तो तुम्हारी पूरी फैमिली सुकून से रहेंगी, तुम अमल करेंगे तो सुकून से रहेंगे सब बातों पर, तुम ना मांगे सीख तो फिर दर दर मांगे भीख। चलो खैर, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। रोकदम।